जो भी आप कह रहे हैं भय क्रोध, और भय और क्रोध के बाद आपके पूरे सिस्टम का डामाडोल होना, नींदों का उड़ जाना, और फिर क्रोध की घटना घटने के बाद फिर शांति से सो जाना कल की रात, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो धीरे धीरे आपके अंदर उतर रही है। यहाँ आ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं, हो सकता है उसको शब्द ना दे पा रहे हैं उस समझ को, क्योंकि क्रोध की घटना शरीर मन में घटी हुई एक घटना है, वो व्यक्तिगत घटना नहीं है कि मैंने क्रोध किया, ये मुझे क्रोध आया, क्रोध आया, क्रोध घटा, एक लहर उठी गई। तो जब हमारा कोई आंतरिक हिस्सा इसको इस तरह से समझने लगता है, भले उसको शब्द ना दे पाए, उसकी बौद्धिक व्याख्या न कर पाए, लेकिन वो समझ लेता है कि भाई मैं इससे अलग हूँ, मैंने क्रोध किया नहीं है, क्रोध घटा है, तो वो लहर आएगी और चली भी जाएगी, फिर आप शांति से सो जाएंगे। अगर आप क्रोध करेंगे तो फिर क्रोध करते ही चले जाएंगे, फिर कैसे सो पाएंगे, फिर कैसे शांत हो पाएंगे, फिर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि क्रोध आपने किया था, फिर क्रोध का पश्चाताप होगा, क्रोध के तमाम तरह के पीछे के क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के जाल होंगे, वो सब उठेंगे, और क्रोध की इंटेंसिटी उसमें बढ़ेगी भी जब ये लगेगा कि मैंने क्रोध किया था। धीरे धीरे जब ये समझ और गहरी होगी तो आप देखेंगे कि कोई शरीर मन इस तरह का होता है जिसमें क्रोध की घटना घटती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी दिन प्रतिदिन धूमिल होती जाएगी। घटना तो आएगी, सिस्टम थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से उसमें जाएगा, डूबेगा, एक आंधी से गुजरेगी, आप दूर खड़े होकर देखेंगे गुजर जाएगी आंधी, आप उससे कम से कम इन्वॉल्व होते जाएंगे, ये घटना घटेगी जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, क्योंकि क्रोध व्यक्तिगत घटना नहीं है, वो शरीर मन में घटी हुई एक अव्यक्तिगत घटना है, वो घटती है क्योंकि इस शरीर मन में कुछ ऐसा डिजाइन है जिसमें वो ऐसा आ जाता है, और वो धीरे धीरे रिफाइन भी होगा, यानी कि सिस्टम तो है लेकिन वो सिस्टम अपने ढंग से रिफाइन होता जाएगा। अब जैसे क्रोध की घटना रिफाइन हो गई जब समझ के साथ, तो वही क्रोध एक्शन में कन्वर्ट होगा, लोगों की हेल्प करने में कन्वर्ट होगा, करुणा में कन्वर्ट होगा, कंपैशन में, आगे बढ़ के लोगों के काम आने में कन्वर्ट होगा, एनर्जी वही है, कन्वर्ट हो गई है, उठेगी तब भी। अभी क्रोध उठ जाता है किसी को देखकर आपके अंदर, और आपके अंदर भूचाल आ जाता है, फिर कभी करुणा का भाव उठ जाएगा और भूचाल आ जाएगा, आपको लगेगा कि कैसे इसकी मदद कर पाएं, इस व्यक्ति ने जो किया है या ऐसा इसके माध्यम से हुआ है जिस पर हम क्रोध कर रहे थे, ये तो इसकी विवशता थी, इसकी मजबूरी थी, इसके शरीर मन का ढांचा ऐसा था, इसका परिवेश परिस्थिति ऐसी थी, इसकी समझ ऐसी थी, ये क्या करता है, इसकी तो लाचारी थी, जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं उस पर क्या क्रोध करेंगे, तो उसकी विवशता है जिसका वो शिकार है, तो आप पे करुणा उमड़ेगी, आप जो सहायता उसे कर पाएंगे, आएगा आप भी कुछ ना कुछ, लेकिन अब करुणा आएगी, एक्शन आएगा, उसके पीछे पीछे शांति आएगी, और करुणा जब आएगी तब भी आप देख पाएंगे कि वो घट रही है, करुणा करने वाले आप नहीं हैं बस, क्योंकि आपके माध्यम से सहायता घटी किसी की तो घटी, लेकिन आपने सहायता करी ऐसा कोई भाव नहीं है, क्योंकि अगर ये भाव भी किसी को पकड़ जाए कि मैंने सहायता करी, तब भी रात में नहीं सो पाएगा, सोचता रहेगा कि कल को फोटो किस अखबार में छपवाऊंगा, या कल किस क्लब में जाके चर्चा करूंगा, किस किस को बताऊंगा, सोशल मीडिया पे कैसे उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्या क्या करूंगा, क्योंकि हमने सहायता करी लोगों की, इतनी पता तो चलना चाहिए, उसको लग रहा है मैंने किया, लेकिन जब वो इन घटनाओं को घटता हुआ देख लेगा तो शांति से फिर अपना काम किया, आगे हट गया, जो होना है सो होगा, अगर उससे उसको श्रेय मिलना है तो श्रेय मिलेगा, श्रेय नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, वो उससे डिटैच रहेगा, ये एंड रिजल्ट में ऐसा घटता रहेगा।